मामले में अब बोर्ड के अफसरों पर एसओजी की नजर है। सचिव सेंगवा के निलंबन के बाद अब कई बड़े अफसर भी जांच के घेरे में हैं। रीट प्रश्न पत्र निर्धारण और परीक्षा के निर्धारण में इन अफसरों की अहम भूमिका होती है और ऐसे में बोर्ड प्रशासन में दबे जुबान ये चर्चा है कि खंगाले जाए इन अफसरों के भी कनेक्शन। संवाददाता शुभम हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं। शुभम, बेहद अहम है जहां सचिव पर एक्शन हुआ है, निलंबित किया गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं और भी बड़े अफसर हैं जो जांच के घेरे में आ चुके हैं, एसओजी की नजर है, क्या कुछ नाम सामने आए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो रीट पेपर लीक का मामला है उसके अंदर जो बोर्ड के अन्य अधिकारी हैं अब उन पर भी एसओजी की नजर आ चुकी है। हालांकि नाम अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि एसओजी अभी मामले में पड़ताल कर रही है, लेकिन अरविंद सेंगवा के निलंबन के बाद कई अफसरों के जांच के घेरे में आ चुके हैं, उनके नाम सामने एसओजी के पास जरूर होंगे और वो तफ्तीश भी कर रहे होंगे क्योंकि जो रीट प्रश्न पत्र का निर्धारण और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होता है वो इन्हीं अफसरों के द्वारा किया जाता है, उनमें इनकी भूमिका भी होती है, तो हो सकता है कि इनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका हो लिप्तता के अंदर, तो उनके भी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और इनके कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कौन कौन और शामिल है, लेकिन हो सकता है कि एसओजी की तफ्तीश अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या रीट कार्यालय के अन्य अधिकारियों पर भी हो सकती है क्योंकि पहले ही कल चाहे विधायक देवनानी ने कहा था कि अभी तो एसओजी की टीम खाली बोर्ड के चेयरमैन के पास पहुंचती है, लेकिन कई दिनों बाद ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी हो सकता है कि एसओजी के कमरे में हो सके, लेकिन वही मामला सामने भी आ रहा है तो कई अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। एसओजी की नजर है और एसओजी जांच कर रही है। शुभम, क्या किसी अधिकारी से पूछताछ हुई है? अभी तक तो किसी अधिकारी से पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि लगातार जो परसों के दिन जो एसओजी की टीम थी वो बोर्ड चेयरमैन के पास पहुंची थी, तो उन्होंने भी कहा था कि 3 दिन से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, तो दस्तावेज तो बोर्ड चेयरमैन से ही जाएंगे क्योंकि हेड वही थे और सचिव जो है अरविंद सेंगवा उनको भी निलंबित कर दिया गया। हालांकि अब कौन से और अधिकारियों से पूछताछ होती है कि एसओजी का आगे का काम है तो आगे की पड़ताल अब एसओजी बाद में ही बताएगी कि इसके और कितने नाम आते हैं। चलिए, शुक्रिया शुभम जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।